पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने की पेशरफ्त के जायजे के लिए फैटिफ का वर्चुअल इजलास 22 से 25 फरवरी को होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने की पेशरफ्त के जायजे के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास 22 से 25 फरवरी को होगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त रिपोर्ट अरसाल कर चुका है। पाकिस्तान 27 में से 21 नुकात पर मुकम्मल अमल कर चुका है और मजीद पर ठोस पेशरफ्त जारी है। बाकी मानदा 6 नुकात पर 70% तक काम मुकम्मल हो चुका है। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने 2 साल में FATF एक्शन प्लान पर तेजी से पेशरफ्त की है।